तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी किस चैप्टर का? लेंथ चैप्टर का, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको पता ही होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, गड़बड़ होती है मैथ्स के चैप्टर्स में, ठीक है। तो आज हम लोग यही वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो भी लेंथ चैप्टर का, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है, 31 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन वन कैन। तो फिर 31 लीटर और 500 मिलीलीटर मिल्क जो है, मतलब दूध, एक कैन में है, ठीक है। और ये वो वाला कैन है जिसमें मिल्क मैन दूध लेकर आता है, ठीक है। इन मिक्सर विथ 72 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, मतलब कि उस कैन में 72 लीटर और 650 मिलीलीटर और दूध डाल दिया गया, ठीक है। द अदर कैन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब कि ये पूछ रहा है कि कितना मिल्क है उस एक कैन में। तो अब हमें इसका आंसर देना है, क्वांटिटी। तो फिर यहाँ क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ M-I-L-K मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब कि दूध की संख्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कैन, जो कैन के अंदर है, इन द कैन, ठीक है। अब यहाँ इक्वल्स टू करते हैं, अब फिर देखते हैं। तो फर्स्ट बार में यहाँ कितना है, 31 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो यहाँ पर भी हमें वही लिखना है, 31 लीटर और 500 मिलीलीटर, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड करते हैं, तो फिर सेकंड ये नहीं कि हम लोग सेकंड नंबर में ही जाएंगे, ये सेकंड मतलब हुआ कि हम लोग अभी सेकंड लाइन लिखेंगे। तो ये देखिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देखिए यहाँ हमें यहाँ मिल्क तक सेम टू सेम ही लिखना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फिर यहाँ से इन द अनदर कैन, ठीक है, मतलब दूसरे कैन में जो मिक्स किया गया, ठीक है। फिर क्वांटिटी ऑफ M-I-L-K मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब कि मिलाना, BY मतलब कि उसके साथ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्सेड बाय E-N-O-T-H या अनदर C-A-N कैन, ठीक है। अब यहाँ इक्वल्स टू, अगर आपको यहाँ जगह ना मिले तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ 72 लीटर और 650 मिलीलीटर है, तो यहाँ 72 लीटर और 650 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब हम दोनों का ये दो सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखिए क्या करना है, जब हमारे क्वेश्चन के बारे में 2-3 लाइन लिख दिया जाता है डिटेल से, तब हमें उसके बाद उसका आंसर लिखना होता है। तो आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं,
क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। तो मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इज मिक्सेड बाय अनदर कैन, तो विध यहाँ टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिक्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ स्पेलिंग बताया था उसी तरह से आपको लिखना है। ध्यान रहे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, ओके। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑफ मिक्सड इन एफ आई आर एस टी फर्स्ट, इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक मिल्क का कैन है उसमें इतना मिल्क है, उसमें इतना मिल्क हम लोगों ने प्लस कर दिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट मिल्क के कैन में हम लोगों ने दूसरे मिल्क के कैन का जो मिल्क है उसे मिक्स्ड कर दिया है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर इन फर्स्ट सी ए एन कैन, ठीक है। उसके बाद फिर जब यहाँ तक हो जाता है तब हमें कैलकुलेशन करना रहता है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पहले से ही एक ऐसे करके रफ बॉक्स बनाकर उसमें कर सकते हैं, या तो आप कहीं भी रफ पेज या फिर कहीं भी आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ भी करके यहाँ आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ प्लस करना है। तो चलिए प्लस करते हैं। 31 liter और यहाँ 500 milliliter, ठीक है। और फिर यहाँ 72 और यहाँ 650, ठीक है। यहाँ हो गया आग्रह, जैसे कि यहाँ 0 + 0 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 0 + 5 5 हो गया। अब 5 + 6 कितना होता है बताइए आप। हाँ बिल्कुल करेक्ट, हमारा यहाँ होगा 11, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग बिल्कुल 3 डिजिट्स कर लेते हैं इसकी तरह, तो फिर हम लोग यहाँ डेसिमल डालते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 1 कैरी था, तो फिर 1 + 2 कितना हुआ 3, और ये 1 कैरी था 4। अब फिर 7 + 3 कितना हुआ 10। तो आप इसी तरह से बाकी के भी वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं, पर आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जब लेंथ में आप कर रहे हो तो फिर हमें लेंथ लिखना है, वेट में कर रहे हो तो वेट लिखना है, और अगर हम लोग कैपेसिटी में कर रहे हो जैसे कि मैंने किया तो फिर उसमें हमें क्वांटिटी लिखना है। और फिर इन तीनों में से अगर कोई भी ना हो, और अगर मनी वाला हो तो अमाउंट लिखेंगे, और मनी वाला भी ना हो सिंपल हो तो फिर वहाँ नंबर लिखेंगे, और नंबर का शॉर्ट फॉर्म हम लोग। इस तरह से हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।